नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हजारिया टाइम्स में। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माँ माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को चार दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। आज दोनों का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, अब दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में ही हैं। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर रह रहे थे, लेकिन चार दिन पहले अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स दिखे, इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वह कांग्रेस के महासचिव थे, लेकिन कांग्रेस का हाथ छोड़कर वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट भी दिया है। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया भारत सरकार की 15वीं लोकसभा की मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये लोकसभा की मध्य प्रदेश स्थित गुना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मनमोहन सिंह सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। यह गुना शहर से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के स्थानीय निवासी हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1971 को हुआ था मुंबई में और इनकी अभी आयु 49 वर्ष है और अभी यह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं।